आप देख रहे हैं पाक लैब न्यूज एक्टी और मैं नासिर महमूद मलिक। आप नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। खबर शामिल करते हैं सरगोधा से। आसमा यासीमा रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोधा को साहब बीबी जोजा मोहम्मद असलम साकिन चक नंबर 138 जलोबी तहसील सिल्ला वाली दरख्वास्त गुजारी के साइला का कच्ची आबादी हामिद रजा कॉलोनी में 8 मरले प्लाट को जेल साजी और मिली भगत करके जुल्फकार अली मोहम्मद रियाज अहमद आसम शेर एएसआई ने हथिया लिया और इसके खावंद के खिलाफ नाहक थाना सिल्ला वाली में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करके तकरीबन 5-6 दिन बाद 20,000 रुपये रिश्वत वसूल करके छोड़ दिया, जिस पर रीजनल डायरेक्टर साहिबा ने एक्शन लेते हुए बाद अज़्म इंक्वायरी आसम शेर एएसआई थाना सिल्ला वाली के खिलाफ मुकदमा नंबर 11/2022 थाना एंटी करप्शन सरगोधा में दर्ज करने के अहकाम दिए और मुकदमा की तफ्तीश के दौरान जुल्फकार अली और मोहम्मद रियाज अहमद के किरदार का तयन करके मेरिट पर तफ्तीश मुकम्मल करके रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया और मुकदमा की तफ्तीश मोहम्मद अकरम सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन सरगोधा के सपर्द की। मुकदमा की तफ्तीश के दौरान ये मालूम हुआ कि मुल्ज़िम आसम शेर एएसआई थाना सिल्ला वाली अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करते हुए मुदैया के खावंद खिलाफ झूठा मुकदमा करके इसे गिरफ्तार किया और तकरीबन 5-6 दिन बाद बगैर चलान किए 20,000 रुपये रिश्वत वसूल करके इसे छोड़ दिया, जबकि साथी मुलजमान जुल्फकार अली और मोहम्मद रियाज के साथ मिली भगत करके मुदई का 8 मरले प्लाट को हथिया लिया। आसम शेर एएसआई थाना सिल्ला वाली ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत जनाब स्पेशल जज एंटी करप्शन सरगोधा से अपनी मदियत जमानत करवा ली। मौजूद अदालत ने मुलजिम आसम शेर एएसआई अबूरी जमानत खारिज कर दी, जिस पर एंटी करप्शन सरगोधा की टीम ने मोहम्मद अकरम सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन सरगोधा की निगरानी में मुलजिम आसम शेर एएसआई को गिरफ्तार कर लिया, जबकि साथी मुलजिम जुल्फकार अली को एंटी करप्शन सरगोधा ने पहले ही गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू की हुई है, जबकि बाकी मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ नासिर महमूद मलिक, पाक लहर न्यूज़।